वो 5 साल मंत्री रहे लेकिन लोग के फोन नहीं उठाते थे के को नहीं फोन उठाते उपेंद्र कुशवाहा कोई के कोई घटना हो जाए उस समय फोन उनको उठाना चाहिए ना फोन नहीं उठाते हैं कौन नहीं उठाते हैं मुवासी उपेंद्र कुशवाहा अच्छा अच्छा भाजपा के पक्का दुश्मन है भाजपा का वोट देता ही नहीं है कभी अच्छा कभी नहीं दिया कभी जब नहीं करते हैं क्या ऐसा दुश्मनी हो गया ब्राह्मण मात्र व्यवस्था है अच्छा खाली ब्राह्मणों का ऊंची जाति का उसमें सपोर्ट है अच्छा पार्टी में तेजस्वी के हम आदमी है अच्छा तेजस्वी जी के आदमी है परसमाल मैंने तेजस्वी जी को आप बुला भी दीजिए बुला देंगे नमस्कार दोस्तों मैं बिहारी बाबू हेमराज बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार दोस्तों अभी हम ओबरा प्रखंड के कदियाही गांव में हैं इस गांव में आते हैं तो एक रोला देने वाली एक दर्दनाक कहानी है जो आप सुनेंगे तो रो जाएंगे जब यहां पर लोगों से हम पूछने के लिए आए कि आप किसे अपना मत देंगे या अपने अपने बारे में कुछ बताएंगे कि किसे एक राय बताइए मगर जब यहां राय बताने की बात आती है तो आँखों में आंसू जो है जुलता नज़र आता है और बहते नज़र आता है तो चलिए यहां पर जो कुछ लोग हैं पहले उनका नाम हम परिचय ले लेते हैं पहले आपका नाम क्या हो अजीत कुमार आए अजीत कुमार अजीत कुमार आप सत्येंद्र मेहता आप महेश कुशवाहा आप सत्येंद्र प्रसाद सिंह आप संतोष यादव और कृष्णा प्रसाद सिंह आप राजेश्वर मेहता आप महेंद्र मेहता मेहता यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मेहता जी का ज्यादा है और उसके बाद यादव जी थोड़ा कम है अच्छा ये बताइए कि क्या समस्या है कि आप पहले ये बताइए कि किसे आप सपोर्ट करना चाहते हैं आपको पता होगा कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है दूर ही रहिए लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है तो उसमें काराकाट क्षेत्र से पवन सिंह निर्दलीय में से हैं और उसके बाद राजा राम जी हैं और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी हैं तो आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं राजा राम सिंह राजा राम सिंह को आखिर राजा राम सिंह को क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं 10 साल पूर्व विधायक रहे हैं इनका कार्यकाल से हम लोग खुश हैं इसलिए राजा राम सिंह को वोट करेंगे लोकल भी हैं अच्छा अच्छा लोकल नेता ही पल पल को जान खबर रखते हैं इले हम लोग के यानी क्षेत्रीय नेता क्षेत्रीय नेता हैं अच्छा उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो 5 साल मंत्री रहे लेकिन लोग के फोन नहीं उठाते थे के को नहीं फोन उठाते उपेंद्र कुशवाहा कोई के कोई घटना हो जाए उस समय फोन उनको उठाना चाहिए ना इसलिए जिताया है उनको अच्छा अच्छा है 5 साल के बाद पार्टी विलय कर देते हैं कभी विलय कर देते हैं काफी पार्टी बना लेते हैं उनका क्या अस्तित्व है तो इसलिए उनको वोट नहीं हम लोग देंगे मैंने इस बार सपोर्ट नहीं करने नहीं सपोर्ट उनको नहीं करेंगे उनकी टीम आई है कि नहीं टीम आयल थे महिला भी आयल थे और अच्छा। जेंट्स भी आए थे तो उन लोग हम लोग करारा जवाब दिए कि हम वोट आप लोग के नहीं करेंगे अच्छा क्या ये समस्या हुआ था जो पूरे गांव जो हैं पूरे सपोर्ट कर रहे हैं राजा राम जी को आखिर क्या समस्या हुआ था समस्या यहाँ था एक्सीडेंट हुआ था जी जी उस एक्सीडेंट में आए थे यहाँ अच्छा। लेकिन उनको कहा कि जो लोग और दो लोग थे भर्ती थे उन लोग कहा कि उनको थोड़ा पैरवी करके आप मंत्री हैं तो उन लोग के अच्छा बेहतर इलाज हो उस इलाज में नंबर लिए नंबर लेके और फिर फोन तक नहीं किए उनसे क्या आस्था हम लोग रखेंगे बतलाइए आप हाँ 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 तो इसीलिए उनको हम लोग नकारते हैं जब साधारण काम में आप काम नहीं दीजिएगा तो किस काम के लिए हम लोग के यहाँ खेती करने आ पाइएगा जी नहीं नहीं सही बात है खेती की थोड़े करने समाज के काम ना ऐसा ही ऐसा काम ना नेता करेंगे यानी कहने का मतलब है कि इस गांव में आए थे उपेंद्र कुशवाहा जी आए हुए थे आए भी मिले भी सबसे मगर एक थोड़ा सा काम के लिए पीछे हट गए वो काम नहीं कर पाए नहीं काम कर पाए फोन तक नहीं किए अच्छा चलिए दोस्तों देखिए कि बिल्कुल नाराज है यहाँ के जनता लोग ये कदियाही है ये बड़की कदियाही इसको बोला जाता है ना कदियाही सिर्फ बोला जाता है चलिए आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं राजा राम सिंह को राजा राम सिंह राज आप किसे सपोर्ट करना हम तो राजा राम सिंह के इसलिए सपोर्ट करना चाहते हैं चूंकि यहाँ पर हम लोग किसान है यहाँ समस्या है नहर की पानी की जो कदवन जलाशय है उसको शपथ खाए हैं कि मैं अगर सांसद बनता हूँ कौन शपथ ने शपथ खाए हैं राजा राम जी हाँ। कि 8 जिला का मैं जीर्णोद्धार करूंगा जो नहर है पुरानी नहर जो ब्रिटिश टाइम का बना हुआ कदवन जलाशय को मैं इस परियोजना को दुरुस्त करूंगा 8 जिला को जो खेती मर जाता है किसानों के जो आम आदमी किसान है सबसे बड़ी लड़ाई है राजा राम जी को कि मैं कदवन जलाशय चालू करूंगा और जो स्थानीय मुद्दा है जो विकास अधूरा है उस विकास को मैं दिल्ली संसद में जाने के बाद उठाऊंगा युवाओं को जो बेरोजगारी है महंगाई है जो कलम
एक राम सिंह के। अच्छा, राजा राम जी को ही क्यों सपोर्ट करना चाह रहे? क्योंकि हमारा महागठबंधन पार्टी में तेजस्वी के हम आदमी है। अच्छा, तेजस्वी जी के आदमी है। परसमाल मैंने तेजस्वी जी को आप बुला भी दीजिए। बुला देंगे ना, बुलाएंगे तो। अच्छा, ये बताइए, एक निर्दलीय जो युवा नेता जिसे अभिनेता भी कहा जाता है, अभिनेता भी है पवन सिंह, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या कहें उनको बारे में? निर्दलीय चुनाव अपना लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं तो क्या उनको भी सपोर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? नहीं, हम लोग तो नहीं करेंगे। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ये देखिए भैया, अभी साइकिल से पूरा घास जो है ला रहे हैं, ये हुआ मेहनत की काम, है कि नहीं? जो अपने गाय या भैंस या बकरी को देंगे, है कि नहीं? देखिए, किसान है, किसान को लगता है ये गांव का रोजी रोटी होता है, बड़ा कठिन होता है और बड़ा मज़ा भी आता है। आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं? महागठबंधन के। महागठबंधन बोले तो राजा राम जी को। जी हाँ। क्यों 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 करना चाहते? क्योंकि हम भाजपा के पक्का दुश्मन है। भाजपा का वोट देता ही नहीं है कभी। अच्छा, कभी नहीं दिया? कभी जबे नहीं करते हैं। क्या ऐसा दुश्मनी हो गया? ब्राह्मण माध्यम व्यवस्था है। अच्छा, खाली ब्राह्मणों का, ऊंची जाति का उसमें सपोर्ट है। अच्छा अच्छा, हम लोग गरीब का तो कुचला जाता है उसमें। अच्छा अच्छा, और बुढ़वा का है वही भाजपा को वोट देते हैं। अच्छा अच्छा, दलित में जिसे दलित और गरीब जो है, जब बुढ़वा का वही वोट देते हैं भाजपा के। अच्छा, होशियार आदमी कोई नहीं देता है। जी हाँ। अच्छा अच्छा, तो फिर भी आज उन्हीं का सपोर्ट बना हुआ है। हाँ। आज ऊपर बैठे हुए हैं। किनका? मोदी जी। जीना जीना, कभी नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। अच्छा, तेज आप राजा राम जी को सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा राम जी क्षेत्रीय नेता तो हैं, बिल्कुल, मगर वो क्या है, काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। कौन? राजा राम जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? राजा राम जी माँ उपेंद्र कुशवाहा से ढेर नौजवान है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी? हाँ। अच्छा, क्या बात? उपेंद्र कुशवाहा फोन नहीं उठाते हैं। कौन नहीं उठाते हैं? उपेंद्र कुशवाहा। अच्छा अच्छा, कोई इमरजेंसी लगता है फोन नहीं उठाते हैं। मैंने पूरा नाराज है एकदम एकदम बिल्कुल। सामने अगर आ जाए तो जाती है? नहीं नहीं नहीं, चलिए देखिए, हम तो हमको इसे गति नहीं। चलिए, वो राजा राम जी, सॉरी, देखिए आपको उपेंद्र कुशवाहा जी एक मेहता जी हैं, और देखिए दोनों राजा राम जी भी मेहता जी हैं, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी भी मेहता जी हैं, मगर एक टाइटल एक अलग अलग है। मगर देखिए, आप लोग का वोट भी तो बट रहा है, वोट तो बट रहा है ना, कुछ लोग 10% मुश्किल से 10%, अब बाकी सब राजा राम। जी हाँ, राजा राम। आप क्या हाँ। कहना चाहते हैं? राजा राम से क्या वोट है? राजा राम से को वोट देंगे। राजा राम जी के? जी। और उपेंद्र कुशवाहा जी के? जी ना, उनको नहीं देंगे। काहे नहीं दीजिएगा? हम लोग के सुख दुख में राजा राम जी साथ देते हैं हमेशा, विधायक और मैं जैसे 10 साल रहे, 10 साल हमेशा हम साथ दिए, काम उनका है, बहुत से कॉलोनी बनवाए। अच्छा अच्छा, राजा राम जी, राजा राम जी। चलिए दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो हैं से सपोर्ट जो है खुलेआम कहिए कि राजा राम जी को सपोर्ट किया जा रहा है। आप किसे सपोर्ट करेंगे? अरे हम नहीं, पूरे गांव यहाँ मैंने 2-4, 10 को वोट भी उपेंद्र कुशवाहा जी को मिल जाएगा तो ढेर है। अच्छा अच्छा, और ना तो 90-95% यहाँ सब जाति कुशवाहा है। अच्छा अच्छा, जादू जी हैं, साव जी हैं, तीनों जाति मिला के मैंने 95% मैंने 100 को में ना यहाँ करीब 300-400 के करीब वोट है, जिसमें 390 वोट राजा राम जी को जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं? आप एक युवा हैं, आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं? राजा राम जी को। आपको पता होगा कि एक युवा, एक अभिनेता, एक कलाकार पवन सिंह भी चल रहे हैं, तो गायकी की दुनिया में ना है। अच्छा अच्छा, उनसे जब सवाल है, वो पूछा गया था, आप देखे होंगे, पूछा गया कि आप जब सांसद बनिएगा तो क्या कीजिएगा, तो क्या बोले, अरे हमसे गायकी की दुनिया में पूछिए। तो अरे सांसद में जाएगा, लोग बैठेगा वहाँ, तो गायकी की दुनिया में पूछ रहे हैं? हाँ, रोजगार के बारे में कुछ बताए, कुछ बोले अपन एरिया में। नहीं नहीं, तो अभी तो क्या कर रहे हैं, किसी के यहाँ किसी प्रकार का कोई समस्या हो रहा है तो लोगों को मदद कर रहे हैं? अभी तो सब करता है। नहीं, अभी सब नहीं कर रहे हैं, सब तो सब का कोई नेता के अभी सब कोई नहीं कर रहे हैं, मगर ज्यादा पवन सिंह कर रहे हैं, ये सुर्खियों में पड़ा हुआ है। अरे ये बात नहीं, अभी कोई नेता के बोलिएगा, कोई नेता आएगा करेगा, बाकी जो
आगे के लिए जो सोचे एक दो करे से क्या दिक्कत होगा? अभी तो दिखाने के लिए, अभी कर देखने के लिए सब आएगा। आप बोला ये सब आ जाएगा इलेक्शन के बाद आए तब ना। चलिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो पूरे इस गांव कदियाही के लोग जो हैं पूरे राजा राम जी को खुलेआम सपोर्ट करते हैं। और हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।